आज हम तोरण बनाने जा रहे हैं। तोरण हम दो कलर से बनाएंगे, ये मरून कलर है, ये तोतिया ग्रीन। ये देखिए तोरण की पट्टी हमने एकदम सिंपल बनाई है। हमारे चैनल पे बहुत अपलोड भी हैं बहुत पट्टियाँ। ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी रहती हैं और लॉन्ग टाइम ये चलती भी हैं। और इसका अगर जो बहने नहीं बना पाएंगी, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये 36 इंच गेट के लिए हम बना रहे हैं, गेट साइज है 3 फीट गेट के लिए। और 4 प्लाई का ऊन इस्तेमाल कर रहे हैं और इस हुक नंबर है 1.40 mm। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने देखिए बॉर्डर में तीन तीन डबल क्रोशिया करके एक साइड ऊपर के साइड हमने बना लिया है, नीचे के साइड जहां हम डिजाइन बनाएंगे 3 चैन करके हर एक में यहां पे ज्वाइंट करते चले गए हैं, आप लोग देख सकते हो। अब चलिए इसके आगे हम तो ग्रीन कलर से डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। जो बहने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हम कोई सा भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगी, आप अच्छे से देख भी पाओगे। देखिए हम यहाँ पे एकदम लास्ट में यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 चैन हमने बनाया, डबल क्रोशिया किया। ये फर्स्ट वाला लूप है, ये सेकंड वाले लूप में देखिए हम इसे डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये हमारा बन गया। अब हम 1 2 2 चैन लेके और तीसरे वाले में बना लेंगे। देखिए फिर 1 2 चैन लेके फिर चौथे वाले में बना लेंगे। हर एक लूप में हम बनाते ऐसे ही पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए जो हमने पैटर्न बताया था 1 2 2 चैन करके हर फंदे में डबल क्रोशिया बनानी है, वो हमने बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके आगे हम बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले लूप में हम इसे ज्वाइंट कर दे रहे हैं, 1 2 3 चैन ले लिए। फिर इसी में हम उनकी मोती बनाना शुरू कर दिए, 3 4 1 5। एक हमारा 6 चैन का था, 6 फंदे की मोती बना रहे हैं। फिर 1 2 चैन करके हम एक इसको स्किप किए हैं, दूसरे वाले में बना रहे हैं, सेम वैसे मोती बनाएंगे, 2 3 4 5 6। देखिए बना लिए। अब 1 2 3 4 चैन बनाए, फिर इसको हम ले आके इसी में बांध देंगे। फिर 1 2 3 4 चैन बना के फिर मोती बनाना इसी लूप में शुरू कर दिए। एक चैन का देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया, बनके तैयार हो गया है दोनों मोती। फिर 1 2 चैन हमने लिया डबल क्रोशिया करके, 1 2 3, 2 स्किप कर देंगे हम, तीसरे वाले में बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए फिर 1 2 3 4 चैन लेके हम इसको बांध देंगे इसी लूप में। फिर 4 चैन लेके मोती बना लेंगे इसी लूप में। अब 1 2 चैन लेके अब 1 2 स्किप करके सेम ऐसे बनाएंगे, जैसे हमने ये 2 2 करके ऐसे बनाया है, 2 स्किप करके ऐसे पूरा लाइन अब कंप्लीट करेंगे हम। देखिए हमने लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है, पूरे में पैटर्न अच्छे तरीके से आ गया है, बहुत प्यारा कलर लग रहा है। आप लोग बताना कमेंट करके कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब इसके आगे हम मरून कलर का बनाना शुरू करेंगे। नोट बांध ले रहे हैं, आप लोग बगैर स्किप किए अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा,
देखिए ये जो मोती हमने बनाई है इसी के ऊपर हम ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। एक यहाँ पे जो ये लूप दोनों हैं यहाँ पे ले आके हम इसको बना ले रहे हैं, अटैच कर ले रहे हैं सिंगल क्रोशिया से। 1 2 3 4 चार फंदे हमने ले लिए, इसी में हम मोती बना लेंगे। दो दो फंदे हमने लिए हैं, एक चैन का, तीन हो गया, एक मोती हमारी तैयार हो गई, एक चैन हमने ले लिया। फिर इसी में दो मोती ले लेंगे, अरे सॉरी तीन फंदे की मोती बनाएंगे, दो हो गया, अब एक चैन लेके फिर तीसरा। देखिए ये तीन मोती का हमारा ये पैटर्न बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 चार चैन लिए हैं। ये जो हमने देखिए दोनों ग्रीन कलर का ये पैटर्न एक में ही बनाए हैं, यहाँ पे ले आके हम अटैच कर लेंगे इसे सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 4 चार मोती बना के हम दूसरे वाले जो यहाँ पे पैटर्न है देखिए यहाँ पे इसमें तीन फंदे का मोती बना लेंगे। आप लोगों का जैसे 2 प्लाई का ऊन होगा तो 2 फंदे का भी मोती बना लेना। एक चैन ले लेंगे, फिर ये दूसरा वाला बना रहे हैं, फिर एक चैन ले लेंगे, फिर ये तीसरा बना रहे हैं। अब चार चैन लेके फिर इसमें ले आके ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे ही पूरा लाइन ये कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने पूरा लाइन में बना लिया है, बनाने के बाद हमने पैटर्न आधा किया है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये ऊन की गट्ठी बीचों बीच बांध दी है क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था। एक्स्ट्रा कैसे हो रहा था हम बता रहे हैं आपको, देखिए इसको छोड़ के काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2 9 22 और ये 23 हो रहा था, तो मैंने ये बीच में यहाँ पे ये ऊन बांध दिया है क्योंकि यहाँ पे नहीं बनाना है, यहीं तक बनाना है। अब चलिए हम यहाँ से फिर शुरुआत करते हैं। हाफ हमने कर लिया है, दो पार्ट में हम बना रहे हैं। अब ग्रीन हम लगाएंगे, देखिए फर्स्ट एक चैन हमने जो मोती बनाई थी चैन जो लिया है इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे इसे, फिर 1 2 3 टाइट टाइट चार चैन ले लिया, फिर इसी में हम मोती बनाएंगे 6 फंदे की। पांच एक चैन का 6, देखिए हम सब निकाल लिए। अब फिर 1 2 3 4 चैन लेके यहीं पे इसी लूप में इसे ज्वाइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया। फिर ये दूसरे वाला जो ये है इसमें ले आके सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे, फिर 1 2 3 4 चैन लेके सेम वैसे मोती बनाएंगे, 2 3 4 5 अब इसे निकालिए। अब देखिए ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया। अब 1 2 चैन लेके हम दूसरे वाले में यहाँ लूप में बनाएंगे, ऐसे करके पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए देखिए हमने पूरा बना लिया है, यहाँ तक जो ऊन है इसको छोड़ के पैटर्न हम यहाँ तक बना लिए हैं। अब देखिए हमारा रेडी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 के ऊपर हमने 11 बना लिया। अब यहाँ पे एक चैन एक्स्ट्रा और लेके इस तोड़ देंगे और इसको अंदर से निकाल लेंगे, वो तो आप लोग को हर वीडियो में बताती हूँ, आप लोग भी ऐसे कर लिया करोगे तो ये दिखेगा नहीं। अब इसके आगे मरून बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए जिस पैटर्न से हम बनाना जिस मेथड से बनाना चालू किए हैं आप लोगों को पूरा फर्स्ट लाइन दिखाएं, सेकंड लाइन का फर्स्ट लाइन तो ये तो पूरा को हो गया, सेकंड लाइन में हमने आधा आधा डिवाइड किया, आधा इस साइड का आधा उस साइड का। फिर इसके ऊपर हम ये ग्रीन वाला पैटर्न बना लिए, अब इसके आगे हम मरून बनाएंगे। अब एक एक हमारा कम होगा, देखिए हम मरून बनाएंगे कहाँ से, ये यहाँ से जो 2 चैन हमने लिया था यहाँ से,
अब यहाँ पे हम एक दो तीन चार, चार चैन ले लिए हैं। अब मोती बनाएंगे, एक दो, एक चैन का तीन हो गया, एक मोती हो गई, एक चैन, फिर इसी लूप में एक मोती और बनाएंगे। खूब लंबे लंबे बनाना आप लोग, दो तीन पैटर्न का ये मोती हो गया, फिर एक चैन, फिर इसी में एक दो तीन। देखिए अब एक दो तीन चार, चार हमने बना के जो ये पैटर्न देख ले आप लोग, देखिए दोनों पैटर्न हैं यहाँ पे, जो हमने सिंगल क्रोशिया से उस साइड गए थे इसी में ले आके हम इसे ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद एक दो तीन चार, चार हमने चैन ले लिया, फिर डबल क्रोशिया करके ये वाला देखिए पैटर्न के बगल जो दो चैन लिए थे इसमें हम सेम बनाएंगे। तीसरा अब एक चैन ले लेंगे, फिर एक, हम तीन तीन मोती का एक पैटर्न ही बना रहे हैं, एक दो तीन, फिर चार चैन लेके हम दूसरे वाले में इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे ही पूरा लाइन एक कंप्लीट करना है। इसके आगे हम दिखा रहे हैं, देखिए हमने यहाँ तक इसको बनाया है। देखिए फर्स्ट लाइन यहाँ पे हमने बताना शुरू किया था आपको, ये हो गया, इसके ऊपर हमने ग्रीन बनाया, फिर उसके बाद एक कम और हुआ इधर, यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया, फिर उसके बाद हमने ग्रीन इसके ऊपर बनाया, अब फिर यहाँ पे एक कम हुआ, अब ये फिर मरून बनाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम बनाते चले आएंगे, हमारा लास्ट एक बचेगा। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये काफ़ी 6-7 महीने से अच्छे से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, आप लोग हमारे फैमिली हो, यूट्यूब के फैमिली हो, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए हमारे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं किस वजह से। देखिए डॉक्टर ने बोला कि आपको किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो गया है, और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप अभी काम मत करिए, अगर यूट्यूब का काम, धागा या उलन का काम कर रही हो तो अभी मत करिए। तो यही है, हमको सर्फ है या मतलब घर का भी काम हमको डॉक्टर ने मना कर दिया था, और थोड़ा सा ठीक हुआ है, अभी भी उतना नहीं हो पा रहा है, आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो, जगह जगह ऐसे कट जाता है। और इस वजह से मैंने सोचा, काफ़ी दिन से मैंने अच्छे से वीडियो नहीं आप तक पहुंचाई है, आप लोग भी सोच रहे होंगे, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए हम बनाना शुरू कर दिए हैं। और भगवान चाहेंगे, अगर राधा रानी की कृपा होगी तो हम कंटिन्यू अब बनाते जाएंगे, और हमारा हाथ का ये दर्द भी थोड़ा कम है। और आप लोग भी भगवान से प्रे करिए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी अच्छे अच्छे मैं वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। चलिए इसको हम बना के ब्लास्ट तक हमारा जब आ जाएगा हम आपको दिखाएंगे, दो तीन लाइन रह जाएगी तो आपको दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। देखिए बनाते बनाते यहाँ पे हमारे तीन पैटर्न आ गए हैं, एक दो तीन मरून वाला। अब तीन इसके ऊपर बनाएंगे तब हमारे घट के एक यहाँ पे दो हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसे हम ज्वाइंट कर लिए ग्रीन वाला, फिर एक दो तीन चार, चार चैन ले लिया, फिर इसी लूप में एक दो तीन चार, एक पांच, एक चैन का छह है, फिर एक दो तीन चार चैन लेके इसी लूप में ले आके हम ज्वाइंट कर लेंगे, फिर उसके बगल वाले लूप में इसको ले आके सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर लेंगे। इसके बगल वाले में सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर लेंगे, फिर चार चैन लेंगे, फिर इसमें भी हम पांच छह फंदे की मोती बना लेंगे, दो तीन चार, एक पांच और एक चैन का है छह। अब एक दो चैन लेके दूसरे वाले पैटर्न में हम बना लेंगे, ऐसे कर लें, दो
तीन, चार, पाँच, ये छः। अब चार चैन लेनी है, फिर ये नीचे वाला का इसमें ले आके उसी लूप में इसे ऐसे करके सीधा कर दें जिससे मोती बिखरी ना दिखे। फिर दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया कर लें, ऐसे इस पे भी बना लेना है। फिर हमारा एक दो लूप आ जाएगा, फिर लास्ट में हमारा एक आ जाएगा। बना के दिखाते हैं। देखिए हमने बना के लास्ट कर दिया है, हमारा कितना प्यारा डिजाइन और खूब लंबा चौड़ा आया है, आप लोग देख सकते हो। और ये डिजाइन कहीं झोल भी नहीं आया है, हम इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए झोल बिल्कुल नहीं आया है, और आप लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने बताया था वैसे बना लेना। अब चलिए इसके झलरियाँ लगाना हम लोग बताते हैं। पहले तो चैन बनाएंगे, ग्रीन कलर से ही चैन बना ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एक स्ट्रा लिया था, अब इसको हम ऊन को खोल देंगे। अब यहीं से हम झलरी इस साइड का भी बीचों बीच इसको ले ले इस साइड ले ले रहे हैं। और चैन बनाने के लिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह हमने चैन लिया है। अब देखिए हम इसमें ले आके ज्वाइन कर देंगे। तेरह चैन सही है, आप लोगों का थोड़ा बहुत अगर टाइट और लूज पड़ेगा तो आप लोग एक दो आगे पीछे कर लेना। एक तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। अब ये दूसरे वाले में हम कर ले रहे हैं। फिर ऐसे करके हम सभी में ये चैन बना लेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए हमने सभी में चैन बना के एकदम तैयार कर लिया है, इसके आगे झलरी अब लगाएंगे। शुरुआत हम ग्रीन कलर से ही करेंगे। खूब हाथ ऐसे फैला लेंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह हमने लपेट लिया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग और मोटा बना सकते हो, 18 भी कर सकते हो। यहाँ पे बराबर ऐसे कर लिए, फिर इसको भी बराबर ऐसे करके बांध लेना है। एक दो तीन, अब एक बार हो गया, ये दो बार हो गया। अब इसे काट लेंगे, बराबर से। अब देखिए जो घटा बढ़ी रहे, वैसे तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है, उसको आप निकाल दें। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक झलरी लग गई। अब हम मरून कलर का एकदम सेम वैसे ही लगा लेंगे। हाथ एकदम वैसे फैलाना है, दो दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह सोलह, ये थोड़ा सा मोटा है। इसको निकाल लिए, अब एकदम बराबर ऐसे कर लेंगे। इसको भी यहाँ पे बराबर कर लेंगे, एक दो तीन बार लपेट लिए, एक दो बार इसको कर लिए, काट देंगे हम। अब देखिए सीधा ऐसे करके हमें देखना है कितने गड़बड़ हुए हैं। ये हो गया हमारा दो झलरी। अब देखिए झलरी ऐसे लगाओ जिसे एक दूसरे में सटी रहे, ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप लगा लेंगे। अगर आप लोगों को अगर पसंद हो तो एक कलर से लगाना, नहीं तो दो कलर से लगाना। ये तोरण की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी होगी चैनल को लाइक करना,
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग अगर दूसरे कलर में भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मिलती हूँ एक और अच्छे से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।